नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 26 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, आप हमारी करंट अफेयर के जो मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट हो गई है, इसके अभी तक फर्स्ट और सेकेंड यानी दो टेस्ट अपलोड हो गए हैं और दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा। और एक ये वीडियो, इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा। अब ये आज की डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। इमैनुअल मैक्रो को फिर से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो बताइए, इमैनुअल मैक्रोन ये किस देश के फिर से नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? फ्रांस। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन फ्रांस सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। स्पेन, स्पेन की जो कैपिटल है यह है मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है। इसकी करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी है यूरो। पेरू की बात करते हैं, पेरू की जो कैपिटल है यह है लीमा। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है सोल। जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी की जो कैपिटल है यह है बर्लिन। इसकी करेंसी है यूरो। अब बात यहाँ पे फ्रांस की हुई है, तो फ्रांस की आप लोकेशन देखें पहले। देखो ये है फ्रांस, ये ऊपर इसकी कैपिटल है पेरिस, यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। यूरो करेंसी है। इमैनुअल मैक्रोन ये प्रेसिडेंट हैं और जीन कास्टेक्स ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ये इधर देख रहे हैं आप, ये नीचे स्पेन है और ये फ्रांस है। राइट हैंड साइड में ये देखिए आप, ये है एक हिल रेंज पायरेंस, यहाँ पर है ये इस प्रकार से। और नाम क्या है इसका? पायरेंस। ये पायरेंस रेंज फ्रांस और स्पेन दोनों के बॉर्डर पे है, तो ये आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जम्मू और कश्मीर। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मतलब ये एकमात्र ऐसा राज्य है। केरल की सरकार ने स्नेकपीडिया ऐप इसको लॉन्च किया। आसाम की सरकार ने मैत्री योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है, तो इसका जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगस्त 2021 में कुपवाड़ा में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर ने कारखंडर योजना का अनावरण किया। जम्मू और कश्मीर के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए सुकून का उद्घाटन किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया। जम्मू और कश्मीर ने एक ग्राम पंचायत एक डिजी पे सकी मिशन की शुरुआत की। कलेज फीसेंट को जम्मू कश्मीर का पक्षी घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया। एक काम करते हैं, जम्मू कश्मीर का और करंट अफेयर कवर करते हैं। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। अब इसका उद्घाटन भी किया गया अभी रिसेंटली मोदी जी के द्वारा। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खोला गया। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हौसला पहल की शुरुआत की। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने एक साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल को हरी झंडी दिखाई। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए आप, ये है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। इसकी बाउंड्री लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इन तीन के साथ लगती है और पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसकी दो कैपिटल है, श्रीनगर समर कैपिटल है, जम्मू विंटर कैपिटल है। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तीन के साथ बाउंड्री शेयर होती है। डाचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क तीनों जम्मू कश्मीर में हैं।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ यूटी बनाए गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है। अब इसका नाम भी चेंज किया गया था, यही इसका नाम रखा गया था। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है पंकज मित्तल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2022 में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड मलेरिया डे 2022 में कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। यानी थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन 25 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे यानी विश्व यकृत दिवस। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस। तो सी ऑप्शन 25 अप्रैल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अप्रैल 2022 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बाई का निधन हो गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। मेघालय की लोकेशन देखिए, वह ये है मेघालय की लोकेशन। इंटरनेशनल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है और आसाम के साथ ये सिर्फ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ओनली एकमात्र राज्य है आसाम। इम्फॉल इसकी कैपिटल है, इम्फॉल कैपिटल नहीं है मेघालय की, ये मणिपुर की कैपिटल है। इम्फॉल की ये मेघालय की जो कैपिटल है ये कौन सी है? चलो मेघालय की जो कैपिटल है ना ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुख्यमंत्री की बात करें, कॉनरेड संगमा सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। आसाम के साथ बाउंड्री शेयर होती है। 11 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। शिलोंग में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंती हिल्स, तीनों हिल्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तीनों मेघालय में हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को यूनिसेफ के युवा के साथ सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अश्विन यादव, अश्विनी आरती यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मनोज सोनी को यूपीएससी का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। इकबाल सिंह लालपुरा नेशनल कमीशन फॉर मैनिटीज़ का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। विमल कोठारी इंडियन ग्रेन्स, इंडियन पल्सिस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अप्रैल 2022 में एम विजयन का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध बायोलॉजिस्ट, यानी ये कौन थे? ये थे जीव विज्ञानी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, यानी कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 328 मिलियन टन। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2022 में शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। यानी 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन 24 अप्रैल सही आंसर है। दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है रेसलर से, यानी कुश्ती से। 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किस राज्य में शुरू हुए? तो ये कहाँ पर हुए हैं? ये हुए कर्नाटक में। यानी 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन कर्नाटक सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों पर नए माइक और धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश सही आंसर है। 2022 में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंका पौड़ी उत्सव मनाया? ओडिशा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन, 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपना कौन सा वह स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया 13th स्थापना दिवस। पांचवा क्वेश्चन, किसको नीति आयोग का नया अध्यक्ष, नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? डॉक्टर सुमंग के बेरी, ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छठा क्वेश्चन, ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 ये कौन बनी है? तो ये बनी है बबीता सिंह। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात के किस शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? 2022 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तीसरा क्वेश्चन, 23 अप्रैल को कौन सा राज्य खोंगजोंग दिवस मनाता है? चौथा क्वेश्चन, किसको पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? पाँचवा क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? छठा क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में कहाँ पर नाटो ने लॉक शील्ड नामक साइबर सुरक्षा
साइबर रक्षा अभ्यास किया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।